नमस्कार, अलर्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर एक नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, तो इसी के तहत हमारे साथ हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट सरदार सुरेंद्र सिंह जी, और जो अनंतनाग की सीट से कैंडिडेट भी है अपनी पार्टी के लिए। तो बात करते हैं सुरेंद्र सिंह जी से कि किस तरह का उनका पार्टी का जो सफर है, कैसे चल रहा है। तो हमारे साथ है अलर्ट इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ अरुण त्रिशल जी। तो आज हम सुरेंद्र सिंह से ये बात करना चाह रहे हैं कि किस तरह का वो ये लोकसभा का चुनाव अनंतनाग, कठुआ को छोड़ के, कठुआ के रहने वाले हैं और कठुआ को छोड़ के अनंतनाग की सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो क्या कारणों की वजह से ये अनंतनाग में चुनाव लड़ने गए हैं, और इसके ऊपर इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जी सुरेंद्र सिंह जी, अनंतनाग एक ऐसी लोकसभा की सीट है, ये वो सीट है जो महबूबा मुफ्ती जब सीएम बनी थी इस सीट को खाली किया था। अफसोस से कहना पड़ता कि पिछले 4 सालों से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकी। ये हिंदुस्तान की शायद पहली सीट होगी जहां पे 3 चरणों में चुनाव हो रहा है, और सबसे ज्यादा शत्रु, सबसे ज्यादा कत्ल गैरत अगर हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो ये अनंतनाग है। मैंने इसको चैलेंज समझ के इस चैलेंज को स्वीकार किया है, और मैं वहां पे इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं वहां से जीतूंगा, सभी लोग मेरा वहां साथ देंगे, और मैं वहां पे अमन लाऊंगा, तरक्की लाऊंगा, खुशहाली लाऊंगा। सुरेंद्र सिंह जी, आपसे बात करेंगे हम कि पिछले 17 सालों से आप पीडीपी में रहे हैं, पीडीपी छोड़ के प्रगतिशील पार्टी ही क्यों आपने ज्वाइन की? जैसे हमारी स्टेट की पार्टियां हैं, एनसी है अपनी, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, क्या लगा आपको इस पार्टी में, ऐसा क्या है? देखिए, बात है कि हमारी जो मैंने अभी पार्टी ज्वाइन की है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, हमारे नेताजी शिवपाल यादव जी हैं, मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड के नेता हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि यूपी 80 सीट है लोकसभा की, यूपी से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की सरकार यूपी से निकल के आती है, हमारी पार्टी वहां 80 सीटों में चुनाव लड़ रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि शिवपाल जी के नेतृत्व में वहां पे 35-40 सीट हमारी पार्टी जीतेगी, और हो सकता आने वाले प्रधानमंत्री हमारे शिवपाल यादव की हो। यही सोच के कि हमारा नेतृत्व जो है वो एक मजबूत नेतृत्व है हमारा, और साथ में जो है हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन के ऊपर रही, चाहे नई पार्टी है लेकिन शिवपाल जी ग्रोण से जुड़े नेता है, बहुत बड़ी पार्टी हमारी बनेगी हिंदुस्तान की। यहाँ मैंने सब देख लिया जम्मू कश्मीर में, मैं पीडीपी में 17 साल रहा, जैसे आपने मुझे पूछा। पीडीपी जब बनी थी तब मुफ्ती साहब थे, इसके पैटर्न थे, मुफ्ती साहब सीएम भी रहे, जो उनकी सोच थी, उनकी सोच थी कि जो उनका वर्कर है उनकी आग की पुतली है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता 3.5 साल में हुआ मुफ्ती जी सीएम रही और पार्टी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। एक एक सर्कल बन गया उन लोगों का जो डिफीटेड एमएलए थे, जैसे मंजूर हो गए, नीम अख्तर साहब हो गए, उन्हीं उन्हीं में मैडम दबके रह गई, उन्हीं की सलाह लेती थी, पार्टी की तरफ तो जबरदस्ती नहीं छोड़ दिया मैडम ने। और जो मैं कहता हूँ कि जो भी यहाँ काम हुए, आप हैरान हो जाएंगे, मैं भी अनंतनाग में रहा पिछले दिनों, जो मुझे वहां इन्फॉर्मेशन मिली, पार्टी लायल वर्कर को छोड़ के उनका कोई काम नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस एनसी के लोगों को इन्होंने नौकरियां दी, चाहे जे एंड के बैंक में दी, चाहे कहीं भी दी। आपने देखा इन्होंने कितने वाइस चेयरमैन बनाए, जम्मू विजय डोगरा साहब बनाए, वो पार्टी छोड़ के भागे, मनमोहन चौधरी को जम्मू बनाया इन्होंने वाइस चेयरमैन, किस लिए बनाया, जब हमारा दाई इसलिए इन्होंने अपने वर्कर को बिल्कुल ही जलील किया, वर्कर को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया, जो 20-20 साल से इनके साथ चले, जिन्होंने अपना खून पसीना इस पार्टी को दिया, वो आज इनसे नाराज हो गया। क्या लगता है आपको कि पीडीपी छोड़ के जब आप दूसरी पार्टी में चले गए, कठुआ में पीडीपी का वजूद जो है वो खत्म हो गया? मैं समझता हूँ कि कठुआ में हमने 16 वर्ष जिस तरह से आपने मेहनत की थी कठुआ में, हम देखते थे आपको, 16 वर्ष मैंने कठुआ में पीडीपी को अपने खून से सींचा, इसके लिए कुर्बानियां दी हमने, और कभी मैं समझता हूँ कि मैडम महबूबा ये बताए कि एक भी हमारा काम, मैंने पर्सनल काम उसके अवेला हो, मेरे तीनों बच्चे आज भी कोई सर्विस नहीं करते, किसी नौकरी में पढ़े लिखे हैं, मैंने कभी उसको बोला मैडम को कभी भाई मेरा पर्सनल काम करो, लेकिन लोगों के लिए हम कमीशन करते थे, लेकिन पीडीपी ने हमें तो बर्बाद किया, मेरे साथ जो हमारे साथ लोग चलते थे उनको भी पीडीपी ने बर्बाद करके रख दिया, और मैं समझता नहीं कि अब पीडीपी जो है इस कठुआ में शायद ही को पीडीपी का नाम लेगा। आज हम देख रहे हैं पीडीपी के बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है उसका?
मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ठीक है एक दो अपने स्वार्थ के लिए जा सकते हैं, आप समझते हैं कि जो पीडीपी को बनाने में जिनका सहयोग रहा वो पीडीपी क्यों छोड़ रहे, इसकी ये वजह भी तो होनी पता करना चाहिए ना कि पीडीपी पार्टी में क्या दोष है, उसमें हमारी लीडरशिप में क्या दोष है। जो मैं समझता जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी बड़ी वैलिड वजह होगी और पार्टी में इनके जो कारनामे हैं पार्टी के, जो मैडम के जो काम करने का स्टाइल है वो ज्यादा जिम्मेदार है इस बात। ये 3.5 साल जो बीजेपी के साथ पीडीपी का गठबंधन रहा उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे निकम्मी सरकार रही जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बादी के रास्ते पे ला दिया, कश्मीर में सैकड़ों बच्चे मारे गए, बच्चे लोगों के कितने जख्मी हुए पैलेट गन से, कितने अंधे हुए, कौन जिम्मेदार है? सीएम ही तो जिम्मेदार है। आज मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खास करके कश्मीर की जनता को, फरूख अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मोती रोज कहती हैं हुर्रियत से बात करो, स्पेशल आर्म फोर्सेज एक्ट हटा दो, ईएसए बच्चों से हटा दो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैडम महबूबा मुफ्ती जी से भी, फरूख साहब से भी, उमर साहब से भी, जब आप सरकार में होते हैं आपको कौन रोकता है उनसे बात नहीं करो? एक सीएम जो है यूनिफाइड कमांड की कमांडर है, कितनी बार उन्होंने चिट्ठी लिखी जनरल साहब को या दिल्ली कि ये जो कानून है ये हटना चाहिए, आप ये इनका एक रेजोल्यूशन था एमसी का ट्रांड नहीं, इनका सेल्फ रूल, 4 साल हुकूमत की, 4.5 साल इन्होंने क्या कभी इन्होंने बात की? ये लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं, गलाते हैं और कश्मीर के लाशों पर राजनीति करते हैं। मैं समझता हूँ कश्मीर की पार्टियां जो हैं आज, चाहे कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, हमारी बीजेपी हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तरक्की जितने भी सेंटर से फंड आए ये यहाँ शांति नहीं होने देते, क्यों? लोग मरते रहेंगे, ये जो घोटाले करते हैं वो बाहर नहीं आएंगे। सबसे बड़ा कारण कश्मीर में जो मैंने जज किया वो ये है, लोग वहां शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, नौजवान नौकरियां चाहता है। अब 70 साल से यहाँ वहां बिजली नहीं दे सके, कश्मीर में सर्दी आती तो बिजली बंद हो जाती है, इतने इतने बिजली घर है वहां पे, वहां इतने दरिया है, इतने वहां पे नहरें हैं, वहां पे ये सोलर एनर्जी लगा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है कश्मीर में, इनके नियत ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ क्या समझते हैं कि पीडीपी एनसी जितनी कसूरवार है कश्मीर को बर्बाद करने में, उतनी ही बीजेपी भी कसूरवार है कश्मीर को बर्बाद करने में? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बात यह है कि बीच में कहना नहीं चाह रहा ये बात, लेकिन यह है कि यहाँ जो भी लीडर जीते, एमपी जीते, एमएलए जीते, वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीते, इनकी अपनी कोई कारगर्दगी पहले भी नहीं थी, जीतने के बाद भी नहीं है। अभी मोदी जी शायद आ रहे हैं कठुआ में, 1-2 दिन में 14 को आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये जो लीडर है लोग इनको आगे देखना पसंद नहीं करते, हो सकता है मोदी जी के नाम पे बीजेपी वोट पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन इनकी अपनी कारगर्दगी जो है बिल्कुल जीरो है। भाजपा ने हमेशा बात की है सबका साथ सबका विकास, आप अनंतनाग से लड़ रहे हैं इतने दिनों से, वहां पे कंपेन कर रहे हैं, कैसा आपको विकास जो है वहां पे दिखा अभी तक? अगर ग्राउंड पे विकास होता तो लोग इतने एलिनेट क्यों होते मुझे बताइए? आपने कठुआ दिखा क्या विकास है, दरिया की क्या हालत है, लूट लिया 10-15 हजार करोड़ यहाँ पे, लोगों के घर के नलके सूख गए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी लगाई है उन्होंने, क्या सीएम 4 साल रही महबूबा मोती उसको नहीं पता कि यहाँ छोड़िए यहाँ रावी में जो हुआ कश्मीर में यही हाल है, वहां जितने रिवर बेड्स है वहां भी अनअबेटेड चोरी चल रही है, माइनिंग हो रही है अनअबेटेड, वो चोरी है बिल्कुल, और हमारा जो समता है जिसको मिनरल वेल्थ बोलते हैं ये लूटी जा रही है जम्मू कश्मीर की, इन लीडरों के जेब भरे जा रहे हैं, गरीब जनता बर्बाद हो रही है इस बात। कश्मीर के लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं कश्मीर के लोग, किस तरह से कश्मीर में अमन शांति जो है वो किस तरह से आएगी? देखिए मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूँ उस सीट से लड़ रहा हूँ जहाँ सबसे ज्यादा बर्बादी हो चुकी है, मेरा यह विजन है वहां कश्मीर में, वहां हीलिंग टच भी चाहिए, नौजवानों को चाहिए, क्योंकि जो जिसको गोली लगती है, जिसका चला जाता है, जिसको जो जख्मी होता है वो एक एलिनेट फील करता है, जिम्मेदार तो ये गवर्नमेंटें हैं वहां पे, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसी हो, हुर्रियत वाले जो हैं ये हुर्रियत वालों को बुरा बोलते हैं, पूरा हिंदुस्तान बोलता है, मैं समझता हूँ उनका फिर एक एजेंडा होगा, वो अपने एजेंडे पे कायम है, इनका तो एजेंडा कोई नहीं है, इनका एजेंडा कुर्सी है, पावर है। मुझे बताइए पिछले दिनों वहां पे पंचायत इलेक्शन हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, पीडीपी ने बायकॉट कर दिया, एनसी ने भी बायकॉट कर दिया वहां पे, अब जब एमपी के इलेक्शन आ गई यहाँ पे, अब महबूबा मुफ्ती भी खड़ी होगी, फरूख अब्दुल्ला साहब भी खड़े होंगे, किस तरह इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए,
लोग मरते रहे, जो मर्जी होता रहे, कश्मीर बर्बाद हो जाए, ये हम नहीं चाहते। या इनको पावर चाहिए, सिर्फ पावर चाहिए। ये एमपी सीट पे करोड़ों के फंड आएंगे, रुतबा मिलेगा। एक सरपंच जी को क्या मिलता बेचारे को, वो तो मिलिट्री की गोली खा के मरेगा, उसमें इनका कोई वहां पे सरकार नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी की बुनियाद है वो जो इलेक्शन है, उसमें इनका सरकार नहीं है। इनका सरोकार है सिर्फ यही है कि हम एमपी बन जाएंगे, हमें स्पर्क्स मिलेंगे, पावर मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। वहां मैं कहता हूँ शपथ मैंने भी ली वहां, जब मैंने फॉर्म भरा, किसकी शपथ लेते हैं, हिंदुस्तान के आइन की, तो ये हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ बोलते हैं, फिर क्यों आप भी खड़े होते हैं ये? मैं आज आपके चैनल के माध्यम ये कह देना चाहता हूँ, ये सभी अपने फॉर्म वापस लें, मैं भी इनके साथ हूं। कश्मीर अगर ये कहते कश्मीर का मतदान करना है, अगर इलेक्शन नहीं लड़नी चाहिए, जैसे इन्होंने पंचायतों में लड़ी, मैं महबूबा मुफ्ती जी को चैलेंज करता हूँ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चैलेंज करता हूँ, ये अपने फॉर्म वापस ले लें, मैं इनके साथ फॉर्म वापस लूंगा, नहीं लड़ूंगा इलेक्शन। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बिल्कुल वहां पे। धारा 370 और 35 को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि बोल सकूं, लेकिन ये जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है या फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं, या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं वोट की खातिर, आज ही मैं कह दूं महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का अलायंस है, चल रहा है। ये जो गवर्नमेंट तोड़ी इन्होंने, ये सिर्फ एजेंडे के तहत तोड़ी, बीजेपी को हिंदुस्तान में फायदा हो, महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में फायदा हो। परसों दो तीन दिन पहले एबीपी न्यूज पे आपने सुना होगा, जब मोदी जी को पूछा, उन्होंने एंकर ने पूछा कि कल दोबारा पीडीपी से सरकार बनाएगी, उन्होंने कहा पॉलिटिक्स में संभावना कोई भी हो सकती है। आज महबूबा मुफ्ती ने मोदी जी के खिलाफ बहुत साफ बयान दिए, इनका बिल्कुल एक ही एजेंडा है, ये दोनों इकट्ठे हैं, बीच में इकट्ठे हैं, सिर्फ वोट बैंक की खातर उन्होंने कश्मीर से वोट लेने हैं, लोगों को जुटला के इन्होंने दिल्ली वोट लेने हैं, बात तो एक ही है ना, इसमें क्या फर्क है? सुरेंद्र सिंह जी आप मुझे ये बताइए कि कश्मीर एक वहां पे मुस्लिम आबादी जो है वो सबसे ज्यादा है, मुसलमान लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पे अपना विश्वास जो है वो कायम नहीं कर पाई? ये तो बीजेपी वाले जवाब दे, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो इनके बयान है हमारे बीजेपी वालों के, जो भी ये करते हैं कि अपनी कम्युनिटी लेके चले, उससे लोग एलिनेट हो जाते हैं। वो कश्मीर के लोग देखिए अब मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि मेरा मुकाबला वहां शायद कांग्रेस से होगा, वहां मोदी जी की तो जमानत जब्त हो जाएगी, और मैं समझता हूँ पॉलिटिकली उसकी ये सबसे बड़ी भूल है मैडम की, जो वहां से इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि पूरा जो नजला है तो पूरे लोग वहां के हैं, वो मैडम पे ही उनको है कि यहाँ जितने भी लोग मारे गए, जितने भी वहां जख्मी हुए, वो इसी की बदौलत है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर यही थी मैडम, है ना, इसलिए वो बहुत लोग नाराज है, मैडम की तो वहां जमानत जब्त हो जाएगी, मेरा और मीर साहब का मुकाबला वहां पे, अब लोग वहां मेरा साथ दे रहे हैं, मुस्लिम होके एक सिख का साथ दे रहे हैं, वो भी कठुआ से 400 किलोमीटर उठ के मैं वहां लड़ रहा हूँ, उनको ये पता कि ईमानदार आदमी है, यहाँ आया है कुछ ना कुछ चेंज करके। मैंने उनसे वादे किए हैं अगर मैं एमपी बन गया, अगर हमारे वाहेगुरु ने, अल्लाह ताला ने, भगवान ने मुझे वहां से जिताया, तो मैं ये कह दूं कि वहां पे तरक्की लाऊंगा, अमन लाऊंगा, वहां फूड पार्क बनाऊंगा, और साउथ कश्मीर को खास करके, क्योंकि जो भी टूरिस्ट जाता है कभी वो डल गेट की तरफ, बारामूला में जाएगा, वहां पे तनमर की तरफ जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो साउथ कश्मीर में तरक्की नहीं हुई है, वहां बर्बादी हुई है। पहलगाम को अच्छी तरह और डेवलप करेंगे, और भी जहां पे वहां पे टूरिस्ट स्पॉट है उनको डेवलप करूंगा, वहां फूड पार्क बनाऊंगा, जितनी एनजीओ से ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से सबसे सलाह करके, तो खास करके लोगों को नौकरियां दूंगा, नौजवानों में जो एलिनेशन है उसको खत्म करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से साउथ कश्मीर की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरा साथ दीजिए, मैं जो 70 साल में चेंज नहीं ला सके, ये सब लोग झूठे वादे कर करके, मैं वो ग्राउंड पे लाके दिखाऊंगा। सुरेंद्र सिंह जी आप मुझे ये बताइए, सेपरेटिस्ट से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर कश्मीर में कश्मीर के लोगों की ये डिमांड है कि सेपरेटिस्ट से बात कीजिए, तो क्यों मोदी जी सेपरेटिस्ट से बात नहीं करते? बात करने में क्या हर्ज है? वो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है ना। मैं कहता हूँ उनको एक एजेंडा है, वो एजेंडा लेके चलते हैं, आजादी जो भी वो कहते हैं, बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। एक घर में एक बच्चा नाराज होता है, माँ बाप उससे ही बात करते हैं, उसको समझाते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन उसमें कहूंगा कि सबसे बड़ा जो कसूरवार है मोदी जी, तो क्या कहूं मैं, लेकिन ये जो हमारे दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक बाप बेटे की, एक बेटे 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 बाप की, एनसीओ और पीडीपी, ये सबसे ज्यादा वहां पे कसूरवार है। क्यों? इन्होंने सबसे ज्यादा हुकूमत की है वहां पे,
कांग्रेस भी है, उसकी हुकूमत भी रही, सेंटर में रही, ये जब हुकूमत होते क्यों नहीं बात करते, रोकता कौन उनको, मुझे बताइए ना। मैडम महबूबा अगर गिलानी साहब के घर चली जाती है उसको, उनको बुला लेती, मीरवाज के पास चली जाती है उसको बुला लेती, तो भाई ये चीफ मिनिस्टर है वो, मतलब कश्मीर में रोज बच्चे मारे जा रहे हैं, कोई पैलेट गन से, कोई गोली से मारा जा रहा है, अमन के लिए बात करने में क्या हर्ज है, मुझे बताइए ना। कोई ये तो नहीं कि सेंटर पे कोई जोर है, अभी ये जो कहेंगे वो सेंटर मान लेगी या कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देगी, ये तो कोई भी करने वाला नहीं है, ना 70 साल में हुआ ना अगले 70 साल में होगा, लेकिन अपने लोगों से बात करने में। सुरेंद्र सिंह जी आप हमें ये बताइए, पिछले दिनों में महबूबा मुफ्ती और उमर साहब जो थे अपनी कंपेन कर रहे थे, महबूबा मुफ्ती ये कह रही थी कि हमारे लोग जो है वो मुजाहिद है, उधर से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे थे हमारे भी जो कार्यकर्ता है रियल मुजाहिद हम है, उस पर आपका क्या कहना है, किस तरह से लोगों को जो है ये बेवकूफ बना रहे हैं। बड़ी हस्पत बात है, मुजाहिद तो आर्मी की पुलिस की गोली खा के मर रहे हैं, पीडीपी के कितने वर्कर मुजाहिद बन के मर गए, मुझे महबूबा मुफ्ती बताएगा, ये क्या क्या ड्रामा करती है मैडम जी, मैं लगता हूँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ड्रामेबाज लीडर है मैडम महबूबा, वो साथ में फरूख साहब और उमर साहब, मुजाहिद ही है, मुजाहिद है ये, इधर कुर्सी का मुजाहिद है, इधर कुर्सी की कातरी है, सब कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कुर्सी मिलनी चाहिए इनको, लोगों को बगला के मिलनी चाहिए, आज लोग वहां इनसे नाराज है, कोई ना कोई बात करके मुजाहिद का नाम लेके ये सोचेंगे कि भाई लोग में वोट डाल देंगे, मैं समझता नहीं कि लोग वहां को वोट डालेंगे। मैं कश्मीर की जनता को आज फिर कह देना चाहता हूं, इन पार्टियों से पीछा छुड़ाइए, अगर ये चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो जाए, खुशहाली हो जाए, तरक्की रहे, गवर्नमेंट हो, वहां नई लीडरशिप पैदा कीजिए। मैं आप देखो पिछले दिनों शाह फैसल जी आए, नौकरी छोड़ के आए, इन्होंने ऐसा प्रोपेगंडा कश्मीर में शुरू कर दिया आज की डेट में, शाह फैसल जो बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी इसको स्पॉन्सर कर रही है। नहीं, एनसी वाले कह रहे थे हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं जो आज उसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो ये सब ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, सेंटर का टूजी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी से, 4 साल आप जब बीजेपी के साथ गुड़गुड़ गा के वहाँ आरएसएस भी वहाँ पे वो कर दिया कश्मीर में इंट्रोड्यूस, बीजेपी भी इंट्रोड्यूस करती, तो आप किसके एजेंट हो? उमर अब्दुल्ला साहब वाजपेयी गवर्नमेंट ने 5 साल मंत्री रहे, वो किसके एजेंट है? कश्मीर में जो नई लीडरशिप आएगी उसको ये गद्दार बोलेंगे, उसको ये एजेंट बोलेंगे सेंटर का, और उसको पीछे कर देंगे। मैं कश्मीर के लोगों को कह देना चाहता हूँ, नई लीडरशिप पैदा कीजिए, इन 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 जो ये लीडर जिन्होंने 70 साल कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया, चाहे बीजेपी वाले हों, पीडीपी वाले हों, एनसी वाले हों, उनसे पीछा छुड़ा लीजिए, अल्लाह के फजल से पीछा छुड़ा लीजिए, ये कश्मीर को बिल्कुल बर्बाद के रास्ते मिल जाएंगे। नई लीडरशिप, नए नौजवान आ गया है जो कश्मीर को नई दिशा दे, तरक्की की तरफ उनकी तरफ ले जाए। हमने ये भी सुना है कि शाह फैसल ने इंजीनियर रशीद की सपोर्ट में उतर गए, क्या कहना है आपका? अच्छी बात है, इंजीनियर जी मैं समझते इनसे अच्छा है, वो एक एजेंडे पे तो है ना, इनका तो इनका एजेंडा सिर्फ कुर्सी है, इंजीनियर जी अपने लोगों के लिए अच्छा करता है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो क्या इतराज है, इसलिए वो हर साल क्या इतराज है, शाह फैसल ने अच्छा स्टेप किया, मैं समझता हूँ, मैं हमारी पार्टी हो सकता है उसको सपोर्ट करे इंजीनियर जी वहां से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनसे पीडीपी से एनसी से कांग्रेस से बीजेपी से कोई भी आ जाए कश्मीर में नई लीडरशिप आ जाए, मैं कहता जम्मू में बीजेपी की भी नई लीडरशिप आनी चाहिए, ये जो 25 MLA जीते थे इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, जम्मू को बर्बाद किया, ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मंत्री बन के रह गए, MLA बन के रह गए, इन्होंने तो कोई काम तो किया नहीं, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी आएंगे जिता देंगे, मोदी जी आएंगे जिता देंगे, इनको काले बुरके पहन के मोदी जी आए तो खड़ा करना चाहिए, लोग इनकी शक्ल ना देखें। अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही कश्मीर के लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, इतनी दूर छूट के मैं आप लोगों के अखबार में कश्मीर में आया हूँ, साउथ कश्मीर में आया हूँ, सिर्फ मेरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुफाद नहीं है, अगर मैं MP जीतूंगा जितनी तनख्वाह मुझे मिलेगी सब कश्मीर में दे दूंगा, गरीबों को दे दूंगा, वहां पे मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए, यहाँ मेरी 17-18 साल की जो भी पॉलिटिकल है, PDP में 17 साल रहा, मैंने एक पैसा उनसे कभी नहीं लिया होगा, एक पैसे का उनसे काम नहीं कभी करवाया होगा, मैं जितने भी वर्कर है खास करके PDP के वर्कर भी मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, उनकी इज्जत बाल के लड़ रहा हूँ, और कहीं और साउथ कश्मीर को खास करके ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ वहां पे जो बर्बादी है उसको ठीक करके वहां खुशहाली लाएंगे, हर घर में खुशहाली होगी, वहां में बिजली पानी सड़क जो डेवलपमेंट दी हुई वो देंगे, वहां उसको टूरिस्ट मैप पे लाएंगे, वर्ल्ड मैप पे साउथ कश्मीर का। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नंदनार सीट से सुरेंद्र सिंह जी, आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से अपने मुद्दे बेबाकी से शेयर किए अलर्ट इंडिया न्यूज के साथ।
और आगे भी इसी के साथ उनका हम एक बार फिर यहाँ पे धन्यवाद करते हैं। तो आगे भी हम नई शख्सियतों के साथ आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।